आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। फर्स्ट नाइट फेलियर के बारे में मैंने मेरे पहले वीडियो में काफ़ी सारी बातें बताई थी। अभी और कुछ उसके बारे में मैं ये वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। उसको अलग अलग नाम है फर्स्ट नाइट फेलियर को, जैसा प्रथम रात्रि हिंदी में है, फिर सुहाग रात गुजराती या हिंदी में है, मधुर रजनी ये हिंदी में नाम है, फिर बेड सेरेमनी या गोल्डन नाइट ये इंग्लिश में है, मिलन की रात ये हिंदी में बोलते हैं, मुकाबले वाली रात या कत्ल की रात ये उर्दू में बोलते हैं, फिर लगन की रात ये पारसी में है, लगननी रात, फिर मधुचंद्राची रात्र ये मराठी में है। तो ऐसे अलग अलग उसको नाम दिया है। फर्स्ट नाइट शादी के बाद में जो फर्स्ट कांटेक्ट जो आता है हस्बैंड वाइफ का, वो नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी कल्चर में ऐसा है कि शादी के बाद में पहले पूजा की जाती है देव देवता की, और पूजा करने के बाद में फिर उनको अलाउ करते हैं फिर एक साथ में सोना और फर्स्ट नाइट करना। हो सकता है कि शादी के 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद में भी होता है। शादी के पहले सेक्स कॉन्टैक्ट होना यह एक्सेप्टेड नहीं है, ये लोगों को चलता नहीं है, ये अपने कल्चर में अलाउड नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अभी तो इतना आगे बढ़ चुका है समाज, कल्चर ऐसा है कि पहले कांटेक्ट हो ही जाता है लोगों का, ऐसा मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं। एक सर्वे के अनुसार 20 से 30% लोग फर्स्ट नाइट में फेल हो जाते हैं। इसमें काफ़ी सारी बातें क्यों फेल होते हैं, तो उसमें साइकोलॉजिकल कॉजेस ही बहुत ज़्यादा है। एक है कि उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान है क्या करना है, कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी सेक्स नहीं किया, और फर्स्ट नाइट वो साथ में आते फेल हो जाते हैं। फिर हमारे इसमें पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में, फिर लोगों को ज्ञान है कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और फिर नहीं होना चाहिए, कितने दिन नहीं होना, मतलब ऐसा काफ़ी सारा है, तो वो फिर होता ही नहीं है। तीसरा है कि भाई मतलब, और नेक्स्ट मैं आपको बताते जाऊँगा लिस्ट, कि शिश्न के ऊपर चमड़ी बहुत सामने आ जाती है, फोरस्किन बहुत टाइट होती है, सामने आ जाती है, फाइमोसिस है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, इसलिए सेक्स नहीं होता। फिर वजाइना जो है, मतलब योनि जो है, वो बहुत टाइट रहती है, और उसका जो पर्दा रहता है वो बहुत कड़क कठोर रहता है, कड़क रहता है, उसके लिए फिर सेक्स नहीं होता। टफ हाइमेन या योनि में दर्द होता है लेडी के, और पहले से दर्द रहता है तो वो अलाउ ही नहीं करती इंटरकोर्स के लिए, और फिर इंटरकोर्स फेल हो जाता है। फिर कुछ ऐसे कॉजेस है कि भाई सेक्स ये गंदा है, सेक्स नहीं करना चाहिए, और तभी भी वो सेक्स करते रहता है, मतलब शादी होती है और सेक्स के लिए वो प्रवृत्त तो होता है, या सेक्स करने के लिए उनको एक्सपोज किया जाता है। फिर अपराधीपन की भावना है, दिमाग में टेंशन है, मैं पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, मैं पौरुषत्व सिद्ध करूँगा कि नहीं करूँगा, असफलता आएंगी। फिर बचपन में कोई लैंगिक अत्याचार हुए है तो सेक्स के बारे में घृणा है कि नहीं सेक्स नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोगों को होमोसेक्सुअलिटी रहती है, होमोसेक्सुअल मतलब समलैंगिकता, और उसमें वो ज़बरदस्ती शादी करते हैं और उनको फिर उसमें मज़ा आता नहीं और फेल हो जाते हैं। कुछ लोग हेट्रो रहते हैं, मतलब समलैंगिक भी है और परलैंगिक भी है, मतलब हेट्रो भी है, तो उसमें उनको एक अपराधीपन की भावना आती है और वो फिर करते नहीं है। फिर शिश्न के बारे में अज्ञान है, असफलता का डर है, गर्भधारणा का डर है, पति पत्नी में अरुचि है, एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, मन के खिलाफ शादी हुई है, और फिर ज़बरदस्ती शादी करके वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। पत्नी ने यदि ज़्यादा रुचि बताई सेक्स में, तो पति के मन में कोई डाउट आ जाता है कि यह ऐसी रुचि बता रही है, यह बहुत एडवांस है क्या, इसको बहुत एक्सपीरियंस है क्या, और वो डर बैठता और फिर करता नहीं है। कोई मानसिक बीमारी है, तो कोई शारीरिक बीमारी है, तो फिर कोई प्राइवेसी नहीं है, काफ़ी सारे कारण हैं कि जिसके वजह से पहले नाइट में व्यक्ति फेल हो जाता है। फेल हो गया तो सवाल आता है कि मैं पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, मैं पुरुषत्व सिद्ध करने का है, मैं पुरुष ही नहीं हूँ, तो फिर कैसा, फिर और वो कोशिश करते रहता है। वही रात को जब जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा शिश्न कठोर करने की, उतना ज़्यादा वो फेल हो जाएगा, फिर और कोशिश करेगा और फेल हो जाएगा, और वो चक्रव्यूह में अटका जाएगा। चक्र में अटक गया और कुछ भी करो भी होता ही नहीं है, रात भर यदि वो कोशिश करता रहा तो होता नहीं है, सुबह उठ के एक अपराधीपन की भावना, एक न्यूनगंडी की भावना आती कि मैं पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका, और फिर वहाँ से चालू होता है प्रॉब्लम्स। लड़की वालों को पूछते हैं उसके माँ बाप या पेरेंट्स की, हुआ क्या, कैसा हुआ, उसकी सहेलियाँ पूछती है, ये बोलती कुछ भी हुआ नहीं, मेरे को समझा नहीं,
फिर वो अपने अटकलें बांधते रहते हैं, फिर इसके दिमाग में रहता है लड़के के कि उसके दोस्त बोलते कि मैंने पहले नाइट में 4 बार किया, 5 बार किया, 8 बार किया, कि बोलता मैं तो 1 भी बार नहीं कर सका, फिर दिमाग चालू हो जाता है, टेंशन, एंग्जाइटी, वरी। उसमें दो बातें होती है, एक तो इतना डर जाता है कि वो फिर से कोशिश ही नहीं करता, नंबर दो वो फिर किसी की सलाह लेता है। अब सलाह उसने अच्छी दोस्ती के लिया, जानकारी बराबर लिया तो सफल हो जाएगा, सलाह यदि लोगों के ऐसे लोगों के लिया कि जो बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर असफल हो जाएगा। बेस्ट ये है कि सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी है कि भाई उसके बारे में जानकारी लेना, सलाह लेना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले कुछ हमारे समाज में ऐसा था, पहले कुछ दिन हमारे देश में ऐसा था कि कुछ दिन 8-10 दिन 15 दिन पहले सेक्स करने को अलाव ही नहीं था। पहले एक दूसरे से बातें करो, समझ लो, प्यार करो, मोहब्बत करो, टच करो, फील करो, और 15 दिन के बाद में फिर सेक्स करो। अभी क्या होता है, एकदम बहुत ही उतावल है कि पहले दिन नहीं, पहले रात में ही सेक्स करने का है, उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये तो मैंने काफ़ी सारे कारण बता दिए, इसके कॉन्सिक्वेंस बता दिए कि एक तो समझ लेगा और उसका इलाज करेंगे तो एक वो है, और नहीं तो फिर सीधा डायवर्स की तरफ केस चले जाएंगे। तो ये उसके इम्पैक्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जानकारी लेके मेरी किताब है आनंदी वैवाहिक जीवन, वो किताब में काफ़ी सारा मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है, वो किताब आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो PDF फाइल में भी है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक दी हुई है मैंने, तो वो आप देखो, पढ़ो, जानकारी लो, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में सब लोग खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। इसका मैं 3rd पार्ट डालने वाला हूँ, जिसमें इसमें करना क्या है फिर आगे, उसके बारे में जानकारी दूंगा, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।